रागड़ी रखूंगी महाभारत के कृष्ण से कि जब वो कौरव पापी उस अवनु को मार देते हैं तो इस बात का उत्तरा कुमारी को पता चलता है। वो उत्तरा कुमारी अपनी सासू माँ द्रौपदी के पास जाती है तो कहने लग जाते कि सासू माँ, जिसे तू लाड़ करती थी, जिसे तू प्यार करती थी, आज तेरा लाल इसी दुनिया में नहीं है। तो किस तरीका से बिलाप करती है, किस तरीका से कहती है, आएगा सुनेगा रागिनी के माध्यम से, क्या बता दे। आज हुई लड़ाई छल की। अच्छा, क्या बात है। गए चक्कर प्यू में गिरे। यही बात है। सासू माँ चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, हर घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अवसानों से दिल नहीं भरता सासू माँ, इन झूठे अवसानों से दिल नहीं भरता, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है सासू माँ। और किस तरीका से कहते दूसरी बात के माध्यम से। अभी मेहंदी कोई ना छूटी रे, अभी मेहंदी
सी बात का, मेरा संगी साथ साथ का सब तोड़ चला गया फेरे, जिदवा हुई बाले उमर में मारे गए बालन मेरे, जिदवा हुई बाले उमर में मारे गए बालन मेरे। और प्रेमी सजनों कहते हैं कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है और जखम छोटा सा नासूर बना देता है, कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है और जखम छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये भक्त हमें मजबूर बना देता है, मजबूर बना देता। तीसरी कली के माध्यम से क्या बता दिया गुरु जी ने, ये बताया।